राम पवार जो अनंतगढ़ एसटी रिजर्व सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उस समय भी जब यकायक उन्होंने अपना नामांकन आखिरी तारीख से एक दिन पहले वापस ले लिया था, तो आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न केवल चुनाव आयोग को लिखकर आग्रह किया था कि कांग्रेस के उम्मीदवार को, और मैं फिर बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा पैसों का प्रलोभन देकर खरीद कर यह नामांकन वापस लिया गया था। हमने स्पष्ट लिखित में चुनाव आयोग को यह इल्जाम भी लगाया था और चुनाव आयोग से यह आग्रह भी किया था कि क्योंकि चुनाव प्रभावित हो गया है इसलिए इसको काउंटरमैन कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में भी और यहां भी कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। जो टेप सार्वजनिक किए गए हैं एक समाचार पत्र समूह के द्वारा, उनसे पहली दृष्टि में कांग्रेस का वो इल्जाम सिद्ध होता है। हमारा ये मानना है, हमारा ये मानना है और मांग है कि अब क्योंकि प्रथम दृष्टि छत्तीसगढ़ की के भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी प्रलोभन देकर और पैसे का इस्तेमाल देकर कांग्रेस उम्मीदवार को प्रभावित करके वापस लेने और बाद में उसे भाजपा में शामिल कर लेने, ये उन पर इल्जाम प्रथम दृष्टि से होता है, उनका उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे डॉक्टर रमन सिंह जी का इसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बार बार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चुनाव में और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करते थे, क्या वो डॉक्टर रमन सिंह का इस्तीफा लेंगे और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए।